जी हाँ नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी एक नोट के बारे में जानकारी दी। ब्रिटिश काल के समय के जो नोट इश्यू थे उन नोटों में से एक और नोट के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है एक नोट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था जिसमें अंग्रेजों के इश्यू हुए जो नोट थे अमीर व गरीब वाला। आज दोस्तों मैं एक नोट आपके सामने लेके आया हूँ। हो सकता है मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक और चैलेंज आपके लिए देने वाला हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये नोट हमें हमारे चाहने वालों ने दिया है जो हमारी कलेक्शन करने वाली टीम को लेकर हम जब गुजरात पहुंचे। दोस्तों गुजरात में इंटर होते ही सबसे पहला हमें जब जो हमारे चाहने वालों ने ये भेंट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज आपके सामने वो नोट में लेके आता हूँ। वो नोट आप देखिएगा दोस्तों वो नोट आप देखिएगा, ये नोट है दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा ये नोट। इस साइड से दिखाता हूं तो ये देखिएगा दोस्तों, 1909 के टाइम में इश्यू हुआ ये नोट है दोस्तों, 1909 के अंदर। अब इस नोट को इश्यू क्यों किया गया, यानी अंग्रेजों के समय में अमीर व गरीब के लिए एक नोट तो ऑलरेडी चल ही रहा था, इसके बाद में एक नोट ये इश्यू हुआ। इसकी जो बड़ी बड़ी खास बातें हैं वो मैं आज इस नोट को आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों आपको पता है उस समय जो अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उनके जो बच्चे हुआ करते थे उनके बच्चों के लिए एक नोट अलग से इश्यू किया गया था, जैसे कि 18 साल से कम उम्र के जो अंग्रेजी लड़के थे उनके लिए यह नोट बनाया गया था। इस नोट को की खास बात यह है कि जो बच्चे उनके थे वो इस नोट को यूज 10 बार ले सकते थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों हम कोई सा भी नोट जब लेते हैं, कई दुकान से कोई सामान लेते हैं तो उस नोट को सिर्फ एक ही बार यूज कर पाते हैं, एक ही बार हम उसको नोट देते हैं और सामान लेते हैं। इस नोट की सबसे बड़ी खास बात मेरे को तो यही लगी कि इस नोट को हम 10 बार यूज कर सकते थे, यानी हमारे पास में तो नहीं थे लेकिन जो अंग्रेजों के लड़के या बच्चे थे उनके लिए ये इश्यू आया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि अंग्रेजों के समय में काफी सारे इश्यू आए और ये हो सकता है दोस्तों, इसका मैं वादा नहीं कर सकता या कन्फर्म चैलेंज नहीं दे सकता, हो सकता है ये एकमात्र हो या हो सकता है ये किसी एक के पास और मिल जाए दोस्तों, हो सकता है इसमें, यानी इसमें भी संशय है। अभी मेरे को ये इसका कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कंफर्म जानकारी होगा मैं आपको फिर से इस वीडियो इस चैनल के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊंगा इसके बारे में कि क्या क्या है इसमें। दोस्तों और भी ब्रिटिश काल के समय काफी नोट इश्यू में आए, तो ये जो था उनके बच्चों के लिए नोट था जो उनके बच्चे यूज करते थे उस समय। तो दोस्तों 1909 के समय का ये नोट था, ये नोट आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये देख सकते हो दोस्तों 10 पे 10, यानी 10 पे 10, यानी 10 से 10 बार, 10 से 10 बार यूज कर सकते हो 10 पे 10, ये देख सकते हो दोस्तों 1909 के समय का, ये अंग्रेजों ब्रिटिश काल का जो समय था उस समय के इश्यू नोट थे, तो 10 पे 10। दोस्तों हो सकता है आप लोगों ने तो नहीं देखा, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही आती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर वाले नोट में उलझ कर रह जाते हो, ना कि आपको रियल जानकारी मिल पाती। तो दोस्तों मैंने जो वादा किया था कि जब हम गुजरात आएंगे तो नोट खरीदने या बेचने को एक अलग साइड रखेंगे, हमारा मकसद यह था कि जो भी हमसे लोग जुड़े हैं वो एक बार हमसे फेस टू फेस मुलाकात करें और हम उनको वो जानकारी देंगे जो हो सकता है आने वाले समय में उनके बच्चों के भी काम आए। और हर एक लोगों को हमने वो अच्छी तरह से हमने घंटों एक एक व्यक्ति के पास में बिताए हैं। और दोस्तों आप सोच नहीं सकते हमने 2 दिन के सफर में कम से कम 500 से 700 लोगों से मुलाकात की है, ये है दोस्तों 2 दिन के सफर में। तो आज हम थोड़ा सा रेस्ट करके ये वीडियो शूट करें क्योंकि हो सकता है आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि रोहित सर 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं आ रही आपके। तो ये वीडियो फिर से मैं इसीलिए टाइम टू टाइम, काफी लोगों के कॉल भी आते हैं और हम काफी लोगों से मिलते भी हैं और कहीं कहीं जगह तो हमने घंटों जैसे बातें की है, रुके भी है उनके पास, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार प्रेम ने वहां बांग्लादेश बॉर्डर से लेके हमें या महाराष्ट्र बॉर्डर तक जब आप खींच लाते हो तो हम जब आपके शहर या राज्य में आएंगे तो आपसे मिलेंगे दोस्तों, फाइनली मिलेंगे दोस्तों। और हो सकता है काफी सारे लोग अभी हमारा वे
कर रहे हैं और काफी सारे अलग अलग राज्य से भी कॉल आते हैं, तो मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि दोस्तों आपने हो सकता है 10 साल 15 साल 20 साल या कुछ आगे हो जो भी 20 25 50 साल भी आपने वेट किया है, काफी सारे कॉल्स एग्जीबिशन प्रदर्शनी मुद्रा प्रदर्शनी जो होती है वहां पे भी गए होंगे और काफी सारे ऑनलाइन बायर से भी संपर्क किया होगा, लेकिन आज तक आपको ऐसा कोई बायर या ऐसा कलेक्शन वाला नहीं मिला होगा जो आपको घर आके कॉइंस या नोट के बारे में जानकारी दे। दोस्तों कॉइंस या नोट के बारे में यानी पैसे बड़ी बात नहीं होती, पैसे तो हर कोई दे देता है किसी को, लेकिन जो जानकारी अगर जिसको देते हैं यानी जानकारी पैसे एक बार मिलेंगे, जानकारी आप अपने बच्चों तक पीढ़ियों तक उनको दे सकते हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जानकारी आपके काम आने वाली है। ये भी नहीं कि हमने ऊपरी की हमने पूरा वही बैठ के लिख लिख के एक एक चीज बताई थी कि ऐसा अगर आपको मिलता है और आप हो सकते हैं आप रख नहीं पाते, काफी सारे लोगों को कलेक्शन रखने का पता नहीं था, वो लोग बताते हैं हमें कि सर जी वो फाइल या वो जो कॉइंस फोल्डर होते हैं वो हम कहां से देंगे, कहां से लेके आएंगे, तो हमने भैया सबसे सस्ता, हमारा चैनल वैसे भी सस्ता आपके प्यार पर है और आप लोग जुड़े हो, तो हमने उनको यही बताया कि आप हजारों या लाखों खर्च मत करना, अखबार लीजिए 3 रुपए का आने वाला है, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और अपने एक एक सिक्के जो होते हैं उनको रखिए। अब फिर बताते हैं नोट को कैसे रखे सर, ये अखबार को, अखबार में चलो सिक्कों को तो रख लेंगे, लेकिन फिर हमने ये बताया भैया 10 रुपए की कॉपी आएगी, काफी सारे पेज आएंगे, आपके पास हो सकता है 100-500 कुछ कलेक्शन होगा तो आप एक एक पेज में रख दें। तो दोस्तों इसी जानकारी के कारण उन लोगों ने मतलब इतने खुश हो गए कि उन लोगों ने हमें ये सपना भेज दिया है। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल था कि रोहित भाई आपकी टीम जो कलेक्शन वाले करने वाली लेके आए थे उन्होंने फिर क्या कहा, क्या किया या क्या कहा, उन्होंने क्या बताया, क्या वो कलेक्शन किया, कलेक्शन लेके गए, कलेक्शन किसी से नोट वगैरह लिए। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं हमारी जो टीम गुजरात के अंदर आई थी हमने उनसे कुछ समय का टाइम लिया है, काफी 2 दिन हो गए घूमते और हो सकता है काफी जल्दी हम सबसे मिलेंगे, जितना जल्दी हम हो गए आपसे मिलेंगे। उस टीम ने भी ढेरों नोट लिए हैं दोस्तों, ये नहीं होता कि वो टीम खाली हाथ चली गई, उस टीम को जो अच्छे लगे या उस टीम को जो चाहिए अपने कलेक्शन में दिखाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उनके जो टीम का मेंबर हमारे पास में आया था उनकी 3 पीढ़ियों से ये काम होता था, यानी 3 पीढ़ियों से उनके पास वो कलेक्शन पड़ा है, उनके परदादा बापू दादा ये जो भी थे, तो अब वो उस कलेक्शन को संभालने लगे हैं, तो वो भी घूम रहे हैं और इस कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके वहां पे आए। अब दोस्तों काफी सारे लोग कहेंगे सर हमें क्या किसी को लाखों दिए करोड़ दिए, तो दोस्तों इसका मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं, हो सकता है लाखों भी दिए, हो सकता है लाखों भी नहीं दिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको पता है इसका प्राइस वगैरह हम बता नहीं सकते, जिसको भी प्राइस वगैरह जानना है आप डायरेक्ट रोहित भाई की कॉल पे कॉल कीजिए, रोहित भाई वीडियो कॉल में आपको बताएगा, यह वादा करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, राम राम दोस्तों।